हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी एडेनियम प्लांट के कोटेक्स आप देखिए कितने बड़े बड़े और खूबसूरत से हैं, और ये सारे प्लांट हमारे 2 से 3 साल पुराने हैं। आप भी अगर अपने एडेनियम प्लांट में बड़े साइज का कोटेक्स और मोटे साइज का कोटेक्स चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप 4-5 बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे का कोटेक्स भी बहुत जल्दी मोटा और बड़ा हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वो 4-5 बातें जिनका ध्यान रखने पर आपका कोटेक्स मोटा और बड़े साइज़ का हो जाएगा वो बताते हैं। तो सबसे पहले हम इस पौधे की हमें मिट्टी कैसी तैयार करनी है इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मिट्टी ही जब आपकी सही होगी तो आपके कोटेक्स का साइज़ बड़ा और मोटा होना शुरू होगा। तो हमको मिट्टी लेनी है, वो उसमें हमें मिलाना है सबसे पहले मोरंग, जो मोटे साइज़ का आता है जिसमें थोड़े टुकड़े होते हैं बड़े बड़े साइज़ के, हमको रिवर्स एंड लेना है, लेकिन जो मोटा वाला जिसको मोरंग बोलते हैं, 2 हिस्से हमको इसके डालने हैं और 1 हिस्सा हमको मिट्टी का डालना है। और 1 हिस्सा हम लेंगे कोई भी कंपोस्ट, चाहे बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट। इन तीनों चीज़ों को मिला करके जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तो इससे हमारी मिट्टी में नमी बनी रहेगी लेकिन पानी खड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से मिट्टी तैयार करने पर आपका कोटेक्स पानी को जब अच्छे से लेता रहेगा तो उसका साइज़ जल्दी मोटा और बड़ा हो जाएगा। तो मिट्टी हमेशा बेल्डर लेनी चाहिए। चिकनी मिट्टी अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपके पौधे में पानी भरा रहेगा, और ज़्यादा पानी हो जाने से आपके पौधे की जब रूट्स गल जाएंगी तो कोटेक्स नहीं, आपका पौधा खराब जाएगा। मिट्टी मिलाते समय आप इसमें मिट्टी में ये फंजीसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करिए, जिससे आपके पौधे की जड़ में फंगस नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ हमें जिस बर्तन में हम पौधा लगा रहे हैं उसमें ये ठीकरे ज़रूर डाल लेने हैं, और इसके बाद हमको छोटे साइज़ के प्लांटर में ही इस पौधे को लगाना है, क्योंकि हमें इसका कोटेक्स बड़ा और मोटा चाहिए। जब छोटे साइज़ के प्लांटर में इसको लगाते हैं तो जड़ें जो हैं वो नीचे को नहीं बढ़ती हैं, कोटेक्स ऊपर को मोटा और बड़ा होता है। तो इस तरीके से आप छोटे साइज़ के प्लांटर में इस पौधे को लगाइए। नंबर 3, इसकी आपको साल में 1 बार कटिंग भी करना चाहिए। जब आप कटिंग करते हैं इससे भी आपके पौधे का जो कोटेक्स है वो बड़ा होता है। मान लीजिए आप कटिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी पत्तियों को कट कर दीजिए। जब आप इसकी पत्तियों को कट करेंगे तो भी इसका कोटेक्स मोटा और बड़ा होगा, क्योंकि पौधा अपनी जड़ों को बढ़ाएगा। और ये जो कोटेक्स है ये एडेनियम प्लांट की जड़ है, जो ऊपर साइज़ में बड़ी और मोटी हो जाती है वही खूबसूरत सी दिखने लगती है। एडेनियम प्लांट की जो ये जड़ दिख रही है इसमें आधे से ज़्यादा पानी ही भरा हुआ होता है, इसलिए ये इतना मोटा और बड़ा दिखता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं पानी की, क्योंकि इसमें पानी ही भरा हुआ होता है, और जब अपने पौधे को आप पानी ही कम देंगे तो आप फिर आपके पौधे में आपका कोटेक्स बड़ा नहीं होगा। इसलिए इसको पानी देते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हमें पर डे अगर हम पानी दे रहे हैं तो हमें पर डे देना है, और अगर हम 2 दिन छोड़ के देते हैं तो 2 दिन छोड़ के दीजिए। ऐसा नहीं करना है कि आज पानी दिया और आज पानी देने के बाद हमें इसे 10 दिन बाद पानी दे रहे हैं। अगर इस तरीके से आप पानी का गड़बड़ करते हैं तो आपके जो कोटेक्स में पानी भरा हुआ होता है, पौधा उस पानी को पत्तियां खींच लेती हैं और उसका कोटेक्स बढ़ने की जगह उससे पानी निकल जाता है तो वो थोड़ा छोटा सा दिखने लगेगा, इसलिए ऐसा कभी ना करें। अब बात करते हैं, इस पौधे को सनलाइट पसंद है, सन लविंग पौधा है और गर्मियों का पौधा है। इसकी ग्रोथ तभी होती है जब इसको अच्छे से धूप मिलती है। तो इसको ऐसी जगह पर आप रख दीजिए जहाँ पर इसको अच्छे से धूप मिलती रहे। जब इसको अच्छे से धूप मिलेगी, पौधा सही तरीके से चलेगा तो इसका कोटेक्स अपने आप बड़े साइज़ का और मोटा हो जाएगा।
यही हमारी 4-5 बातें हैं जिनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका पौधा और आपके पौधे का कॉर्टेक्स दोनों ही बड़े साइज़ का हो जाएगा। आई होप आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।